हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगी और उनके सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट्स भी बताऊंगी एक्यूप्रेशर की हेल्प से। सबसे पहली प्रॉब्लम कि कई बार पर्सन को हर समय उदासी बनी रहती है, सैडनेस बनी रहती है, और ये जब लंबे समय तक चलते चले जाती है तो वो एक परेशानी का कारण बनती है। इसके लिए एक्यूप्रेशर में सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है, पॉइंट का नाम है CV7। ये मिलेगा हमारी पाम की साइड, हथेली की तरफ। जब अपनी फिंगर्स को हम इस तरह से स्प्लिट कर लेंगे तो जो सेंटर है उससे हम इन दोनों लाइंस की तरफ आएं जो हमारी पाम में आ रही होती हैं, जो नीचे वाली लाइन है उससे ज़रा सा ऊपर ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, CV7, कंसेप्शन वेसल का 7th पॉइंट। ट्रीटमेंट हमेशा हमें करना है प्रोब की हेल्प से, पहले स्टिमुलेट कर लें 2 से 3 बार, और उसके बाद और ब्योर मैग्नेट का जो येलो वाला पार्ट है वो हम स्किन पर टच कराएंगे। तो जब हमने येलो पार्ट उस पॉइंट पर टच करा दिया तो हमें ऊपर से वाइट पार्ट दिखाई देगा। ये बाइलेटरल ट्रीटमेंट है, दोनों हाथों में लगाना है और ड्यूरेशन है 8 से 10 घंटा। रात को लगाकर सो जाइए और सुबह हटा दीजिए। आपको ब्लैक कलर नहीं अप्लाई करना है, ये सिर्फ मैं आपको पॉइंट लोकेट करने के लिए बता रही थी। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी वहाँ आपको ब्लैक कलर नहीं लगाने हैं। हमारी मेंटल हेल्थ को लेकर एक दूसरी प्रॉब्लम कि कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि उस पर्सन को सुसाइडल टेंडेंसी होनी शुरू हो जाती है, उसकी आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। जब कभी भी ऐसे कोई थॉट्स मन में आने शुरू हों तो हमारे पास एक्यूप्रेशर में इसके लिए भी एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है। पॉइंट का नाम है GV15। ये पॉइंट हमें मिलेगा हमारे थंब के बैक साइड, अंगूठे के पीछे की तरफ, जो ये ऊपर वाला जोड़ है हमारा, इसका बिल्कुल सेंटर ले लीजिए और सेंटर से नीचे इस पॉइंट की लोकेशन है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हमें पॉइंट को एक्टिवेट करना है, सॉफ्ट और डीप प्रेशर देंगे और उसके बाद एक वाइट मैग्नेट हमें यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। ब्योल मैग्नेट, जिसका कि वाइट वाला पार्ट स्किन पर टच कराना है, ऊपर से हमें ये येलो दिखाई देगा। तो ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन वही, रात को लगा दें और सुबह इसको हटा दें, करीबन 8 से 10 घंटा दोनों हाथों में इसको अप्लाई करना है। तीसरी प्रॉब्लम हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कि कुछ लोगों में मृत्यु को लेकर एक डर बैठ जाता है, जो कि उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा घबराहट और व्याकुलता से भरी हुई बना देता है। इसके लिए भी हमारे एक्यूप्रेशर में एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है, पॉइंट का नाम है H7, हार्ट मरीडियन का 7th पॉइंट। लोकेशन हमारी इंडेक्स फिंगर पर टुवार्ड्स मिडल फिंगर, जो ऊपर वाला हमारा जॉइंट है इससे ज़रा सा नीचे ब्लैक कलर मैंने लगा दिया है। इस पॉइंट को हम स्टिमुलेट करेंगे सॉफ्ट और डीप 2 से 3 बार। यहाँ पर हमें ब्योल मैग्नेट का वही वाइट वाला पार्ट स्किन पर टच कराना है, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। जब हम इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो जो हमारे मन में एक घबराहट थी मृत्यु को लेकर, वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी और एक नया जीवन हमारा शुरू होगा। ट्रीटमेंट दोनों ही फिंगर्स में लगाना है। अगर आपके पास ये मैग्नेट्स हैं तो आप इन्हें यूज़ कीजिए, अगर नहीं है और आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो हमारा एक्यूप्रेशर किट आप वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स आपके साथ आज मैंने डिस्कस किए उनकी लोकेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अगर कोई डाउट है तो मैंने एक एक्यूप्रेशर साथी के नाम से सॉफ्टवेयर बनाया है, TCM के जितने भी 361 पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके उस पर प्लॉट कर दिया है। आपको सिर्फ वहाँ पर अपने पॉइंट का नाम डालना है जो आपको सर्च करना है, और जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट की लोकेशन आपके सामने आ जाएगी और आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। 700 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट ब्योल मैग्नेट की हेल्प से उस एक्यूप्रेशर साथी में अवेलेबल कराया गया है। आपको सिर्फ बीमारी का नाम डालना है और क्लिक करना है तो उस प्रॉब्लम का सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट और उस पॉइंट की लोकेशन और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन वो भी आप पढ़ सकेंगे, सारी चीज़ें एकदम आपके सामने आ जाएंगी।
बहुत आसान हो जाएगा अपनी डे टू डे की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना। आप इसको भी हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप एक्यूप्रेशर सीखना भी चाहते हैं तो एक कोर्स बनाया है, ऑनलाइन है, आप उसको सीख सकते हैं और सीखने के बाद आप अपनी 100 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को खुद ट्रीट कर सकते हैं। ये कोर्स भी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। रेकी की हेल्प से भी हम अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, अपने को मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि 7 चक्रा हमारी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा को जब हम बैलेंस करेंगे, जिन लोगों को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे रेक्टिफाई होंगी। जो लोग हेल्दी हैं ऑलरेडी और उस हेल्थ को बरकरार रखना चाहते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य को, वो भी अपने इन 3 चक्रास पर काम करें। अगर आप रेकी जानते हैं तो उन्हें हील कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो मैंने ये रेकी चार्ज्ड अरोमा कैंडल्स बनाई हैं। आप इनको जब अपने घर में लिट करेंगे तो आपकी जो अगर कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है, वो दूर होंगे, और अगर नहीं है तो वो स्वास्थ्य आपका बरकरार रहेगा और ज़्यादा हेल्दी होगा। तो रूट चक्रा के लिए भी हमारे पास कैंडल है, थर्ड आई चक्रा के लिए ये कैंडल, तीसरी हमारे क्राउन चक्रा के लिए। जब हमारा रूट चक्रा बैलेंस होता है तो हमारी लाइफ में सेफ्टी और सिक्योरिटी का फील बढ़ता है। जब किसी पर्सन का मानसिक स्वास्थ्य सफ़र कर रहा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसकी लाइफ में सेफ्टी और सिक्योरिटी आए, तो रूट चक्रा पर काम करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आज की वीडियो में हमने 3 मानसिक प्रॉब्लम के बारे में बात की है। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको भी परेशान कर रही है तो आप इन ट्रीटमेंट्स को बेझिझक यूज़ कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है उनके साथ भी कोई ना कोई समस्या चल रही हो। और इसको दूर करने का एक और तरीका इस सारे ट्रीटमेंट के साथ है कि हम सब लोग एक दूसरे से मिलते रहें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बातों को शेयर करते रहें, क्योंकि वहीं पर ये चीज़ें आधी हो जाती हैं, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।